नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। कई पेशेंट्स हमारे पास आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, जब मैं चलता हूँ तो मेरे पाँव में बहुत तेज दर्द होता है, चाव आता है, वो इतना तेज होता है कि मैं उससे ज्यादा चल नहीं पाता और मुझे थोड़ी देर बैठना पड़ता है। मैं बैठ जाता हूँ तो मैं ठीक हो जाता हूँ या ठीक हो जाती हूँ और मैं वापस फिर अपना चलना रिज्यूम कर सकती हूँ या सकता हूँ। इस सिम्टम को हम क्लाउडिकेशन बोलते हैं। क्लाउडिकेशन दो कारणों से हो सकता है। एक होता है वेस्कुलोजेनिक क्लाउडिकेशन, यानी जो ब्लड वेसल्स या जो आर्टरीज खून सप्लाई कर रही हैं आपके टांगों की तरफ, उसके अंदर कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ जाना, या फिर न्यूरोजेनिक क्लाउडिकेशन, यानी जो नसें या नर्व्स आपके मसल्स के अंदर पाओ के जो पावर सप्लाई कर रही है उन नर्व्स में कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाना कमर की वजह से या दूसरी मांसपेशियों की वजह से, वो होता है न्यूरोजेनिक क्लाउडिकेशन। क्या होता है वेस्कुलोजेनिक क्लाउडिकेशन, क्या होता है न्यूरोजेनिक क्लाउडिकेशन, कैसे इसको पहचान, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों वेस्कुलोजेनिक क्लाउडिकेशन की अगर बात करें तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है बर्जर्स डिजीज। बर्जर्स डिजीज जनरली स्मोकर्स के अंदर होता है या जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड हाई होता है, ओबेसिटी होती है, शुगर प्रेशर थायराइड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो उनके अंदर बर्जर्स डिजीज होने का चांस होता है। इसके अंदर जो नसें हमारे पाओ की तरफ ब्लड लेके जा रही है, टांगों की तरफ ब्लड लेके जा रही है, उसके अंदर ब्लॉकेज होने लगता है। ये हूबहू वही टाइप का ब्लॉकेज है जिसके होने से आपको हार्ट अटैक हो सकता है या स्ट्रोक हो सकता है। दूसरी तरफ न्यूरोजेनिक क्लाउडिकेशन होता है जिसमें स्लिप डिस्क की वजह से या मांसपेशियों में तनाव की वजह से जो नसें आपके स्पाइन से निकल रही हैं और वो सीधा जा रही है आपके पांव की तरफ उन मसल्स सप्लाई करने के लिए, मोटर पावर देने के लिए, सेंसरी सप्लाई देने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाए, नर्व कंप्रेशन हो जाए। दोस्तों वेस्कुलोजेनिक क्लाउडिकेशन की अगर बात करें तो पांव में एक टाइटनेस वाली फीलिंग आती है जैसे बांटों में या क्रैम्प्स में आती है। वही अगर न्यूरोजेनिक क्लाउडिकेशन के सिम्टम की बात करें तो पेशेंट एक बर्निंग पेन बोलता है पांव की तरफ, नाहट हो रही है, जलन हो रही है, सूनापन हो रहा है, इलेक्ट्रिक शॉक लाइक सेंसेशन हो रहा है, वो होता है न्यूरोजेनिक क्लाउडिकेशन का साइन। दोस्तों वेस्कुलोजेनिक क्लाउडिकेशन की अगर बात करें तो उसके अंदर एक काफ के अंदर दर्द होता है, यानी पिंडलियों के अंदर दर्द होता है। वही न्यूरोजेनिक क्लाउडिकेशन का जो दर्द है वो कमर में बटक से होते हुए हैमस्ट्रिंग्स और काफ तक जाता है। वेस्कुलोजेनिक क्लाउडिकेशन का जो पेन है वो डिस्टल से प्रॉक्सिमल होता है, यानी पहले पैरों में होता है, वो धीरे धीरे ऊपर जाता है टांगों की तरफ, घुटने की तरफ और थाइस की तरफ, और न्यूरोजेनिक क्लाउडिकेशन ठीक इससे विपरीत कमर से उत्पन्न होता है और धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता है, यानी प्रॉक्सिमल टू डिस्टल होता है। वेस्कुलोजेनिक क्लाउडिकेशन का जो दर्द है वो एक्टिविटी के साथ बढ़ता है, यानी आप जितना चलते जाते हैं उतना बढ़ता जाता है। और न्यूरोजेनिक क्लाउडिकेशन का जो दर्द है वो कमर को पीछे करने से यानी एक्सटेंड करने से ज्यादा बढ़ता है। अगर हम अपहिल वॉक कर रहे हैं, यानी अगर एक ढलान है और उसकी तरफ हम ऊपर चलते हुए जा रहे हैं और अगर आपके क्लाउडिकेशन के सिम्टम्स बढ़ रहे हैं तो वेस्कुलोजेनिक क्लाउडिकेशन दर्शाता है, और अगर वो कम हो रहे हैं या ठीक हो रहे हैं, यानी आप ढलान के ऊपर इजीली चल पा रहे हो पर ढलान के नीचे आते हुए आपको तकलीफ बढ़ रही है, तो आपको न्यूरोजेनिक क्लाउडिकेशन है। वेस्कुलोजेनिक क्लाउडिकेशन की जो रिलीफ है थोड़ा टाइम लेती है, यानी अगर आपके पाँव में दर्द है और आप बैठ जाएं तो आपको 10-15 मिनट लगेंगे आपका दर्द कम होने में और आप अपना चलना रिज्यूम करवा पाएंगे। बल्कि न्यूरोजेनिक क्लाउडिकेशन में रिलीफ इज ऑलमोस्ट इमीडिएट, यानी आपको दर्द हुई, आप बैठ गए, आपका दर्द एकदम गायब हो गया, आप फिर से चलने लगे। न्यूरोजेनिक क्लाउडिकेशन के साथ ऑब्वियसली कमर में दर्द भी होता है और कमर का रेंज ऑफ मोशन भी कम हो जाता है, यानी कमर आपकी स्टिफ भी हो जाती है जो वेस्कुलोजेनिक क्लाउडिकेशन में नहीं होती। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि यदि आपको क्लाउडिकेशन हो रहा है तो वो नसों की वजह से है या ब्लड वेसल्स की वजह से है। साउल ऑर्थो केयर में हम दोनों पेशेंट्स का होलिस्टिक नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं, तो यदि आपको या आपके किसी परिजन को क्लाउडिकेशन के सिम्टम है तो बिल्कुल उसको अनदेखा ना करें, नियरेस्ट साउल ऑर्थो केयर के पेन मैनेजमेंट सेंटर पे जरूर कांटेक्ट करें। और ऐसी जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू।